हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो क्लिप्स है वो दिवाली के दिन की है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई दिवाली पे, क्योंकि मेरे लाइफ में मेरे थोड़े पर्सनल अपन्स डाउन चल रहे हैं। तो ये जो भैया हैं वो मेरे यहाँ आए थे, हमको ये तो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं और मेरे अच्छे वेलविशर भी हैं। तो इनकी बहन की शादी होने वाली है, तो इसलिए वो मेरे पास आए थे। और कुछ चाईबासा वाले पब्लिक्स को इनविटेशन कार्ड देना था, तो ये बहुत शाम में आए थे मेरे पास। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंजू के यहाँ। तो सबसे पहले हम लोग स्वीट्स लेने के लिए हम लोग मार्केट जा रहे हैं। तो मैं यहाँ उनसे कह रही थी कि अगर बाइक से आप हमको गिरा देंगे तो मैं तो उठ के आपको ही मारने लगूँगी, बाकी पब्लिक का मुझे नहीं पता। तो उसके बाद हम लोग आम्रपाली जाने के लिए भी रास्ते पे हैं। आम्रपाली में काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि जनरली त्योहारों के टाइम पे वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है और स्वीट्स वगैरह भी ख़त्म होने लगता है। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से ले लिए। इसके बाद हम लोग अभी असूरा के लिए निकल गए हैं। तो बहुत दिन के बाद अब कोई प्लेस जाते हो तो लगता है कि बहुत दूर है। तो हम लोगों भी मुझको तो ऐसे ही लग रहा था कि काफ़ी दूर है, क्योंकि भैया तो फर्स्ट टाइम जा रहे थे। मैं ही गाइड कर रही हूँ कि इधर रास्ता है, इधर बाएँ लीजिए दाएँ लीजिए। तो ऐसे ही करते करते हम लोग उसके यहाँ पहुँचे। एक्चुअली उसको अंदाज़ा नहीं था कि भैया उसके घर तक पहुँच जाएंगे, मतलब वो आएंगे। उनको उसको लग रहा था कि व्हाट्सएप से ही इन्विटेशन आ जाएगा, लेकिन हम लोग पहुँच गए उसके यहाँ। और ये उसका क्या बोलते हैं उसको, रंगोली। हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत बात किया, उसके बाद फिर निकल गए चाईबासा के लिए। हम लोग अभी चाईबासा में घूमना करेंगे, मतलब पंडाल से जनरली बहुत कम ही लगता है, हमको भी ज़्यादा नहीं पता। हम दो ही पंडाल जानते हैं जो लगता है, एक आमला टोला में और एक ही टुंगरी में। तो अभी हम लोग अंजू के साथ, अंजू भी साथ में है, तो उसके साथ हम लोग अभी पंडाल जाएंगे। तो अभी हम लोग आमला टोला का जो पंडाल है वहाँ वाला पंडाल जा रहे हैं। ये जो घड़ी घर वाला एरिया है उस रूट वाला रास्ता लिए हैं। और ये घड़ी घर जो लाइटिंग है बहुत सुंदर लग रहा था कल के, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने ये दिखाया था। तो इसके बाद अभी हम लोग जाएंगे आमला टोला वाला। तो इधर जो खादिम्स वाला एरिया है उधर में हम लोग गाड़ी वाड़ी वगैरह पार्किंग कर दें, उसके बाद हम वहाँ से पैदल जाएंगे। और यहाँ से मेला का, तो इधर में भी सब लाइटिंग लगा हुआ है। और जो आकाश था वो रश्मि कुलाने स्टेशन गया था, तो हम लोग उन लोगों को भी बुला लिए थे, तो इसलिए वो बैग वैग टांगा हुआ है, मतलब हैंड किया है। तभी हम लोग साथ में जाएंगे। उसको लग रहा था कि हम वीडियो कॉल पे हैं, तो इसलिए वो हाय बोल रहा था। तो हम उससे यही कह रहे थे कि सब लोग बंधन के, सब लोग यहाँ पे लाली पोती लगा के हम ही लोग, सब लोग लाली पोती लगा के हम ही तो एकदम गंवार दिखता है। रश्मि भी बंधन के आई है। कल यहाँ पे महाआरती हो रही है। ये लड़की हेलमेट लेके आई है, इसको लग रहा है सब्सक्राइबर्स के डर से कहीं सेल्फी लेना ना चाहिए। हाँ फोटो देख रहे हैं। Thank you.
महाराज को यू की दो तो क्यों उधर नहीं है ऐसे गजब गजब कैमरा लेते हुए यहाँ छोटू की माँ हमको कॉल करके बुला रही थी कि आओ साथ में घूमेंगे, तो मंदिर के अंदर ही थे तो हम उनको लेने के लिए अंदर चले गए। तब तक कि भैया भी मुझे कॉल करने लगी कहाँ हो, तो हम अभी आंटी को ढूंढ रहे, तो आंटी की यहीं पे थी, तो अभी हम लोग आंटी के साथ लाइटिंग्स वगैरह लगा है घर जाएंगे। काली मंदिर जो एक वो उधर वाला वो जो मिठाई दुकान है उसमें से नहीं बैठाता है। कई दूर दराज गाँव के लोग बड़ी उम्मीद से आते हैं। साढ़े बारह बजे के बाद होगा साथ कितना नहीं ये बोल क्योंकि ऐसे भी खड़ा करें जिससे आने वाले लोगों को असुविधा ना हो। प्रशासन आपके हमने साथ दे रहे हैं, बता दीजिए अगर आप देख सकते हैं आप वहाँ का दर्शन करने को मिले। ये जो आप पंडाल देख रहे हैं ये थाईलैंड का एक बौद्ध मंदिर का थीम पर बनाई गई है। लेजर लाइट का आनंद लीजिए, चारों दिशा में लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। बच्चों के लिए तरह तरह के स्टेज बने, मॉडल बनाए गए हैं, स्टेज बनाए गए हैं। आप सभी को काली पूजा एक्सरे what I see versus what my camera says.